गुजरात के ऊपर से चक्रवात का संकट टला नहीं है। मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट, चक्रवात के कारण गुजरात तट पर चेतावनी संकेत जारी। 24 घंटे में 80 किमी तक बढ़ जाएगी हवा की गति, क्या स्थिति है देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। दक्षिण पश्चिम अरब सागर से उठने वाले चक्रवात तेज का गुजरात पर कोई असर नहीं होगा। एमडी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूले के अनुसार इसे तेज कहा जाएगा। एमडी के मुताबिक ऐसी संभावना है कि यह भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और ओमान के दक्षिणी तट और पास के यमन की ओर बढ़ सकता है। गुजरात राज्य के राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा कि फिलहाल चक्रवात तेज से कोई खतरा नहीं है। जो साइक्लोन हमारा कल लो प्रेशर बना था, उसका बाद वेलमार्क लो प्रेशर बन गया है, अब भी डिप्रेशन बना है। डिप्रेशन अभी साउथ वेस्ट अरबियन सी में है, उसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन होने वाला है अगले 24 आवर्स में। साइक्लोनिक स्ट्रम बनने का संभावना है और उसका मूवमेंट मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा, यानी अभी डिप्रेशन फिलहाल साउथ वेस्ट अरबियन सी में है और इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा एंड अगले 24 आवर्स में वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का संभावना है। अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव डिप्रेशन में बदल गया है। 24 घंटे में हवा की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। रविवार शाम तक तूफान और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और भीषण चक्रवात में बदल जाएगा। सतर्कता के तौर पर गुजरात के तट पर चेतावनी संकेत जारी कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान तेज का गुजरात पर कोई असर नहीं होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूले के मुताबिक इसे तेज कहा जाएगा। आईएमडी के मुताबिक ऐसी संभावना है कि रविवार को यह भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और ओमान के दक्षिणी तट और पास के यमन की ओर बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।